हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने पढ़ रहे हैं एंटो 311। टॉपिक है स्टोर ग्रेन पेस्ट के अंदर। आपने फर्स्ट टॉपिक आपने देखा था राइस वीवल का। सेकंड अपने करेंगे स्टार्ट आज खपड़ा बीटल पढ़ना है आज अपने। लास्ट वीडियो तक आपने देख लिया था, लास्ट लेक्चर था अपना राइस वीवल के ऊपर, मतलब चावल का घुन, और आज पढ़ेंगे खपड़ा बीटल। तो स्टार्ट करते हैं खपड़ा बीटल में। फर्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन। सेकंड जो अपनी बात रहेगी वो रहेगी कॉमन नेम में लिखना है। थर्ड रहेगा डैमेज एंड सिम्टम। फोर्थ अपने को देखना है लाइफ साइकिल। और फिफ्थ अपने इसके अंदर देखना है मैनेजमेंट का या कंट्रोल। बस एक जो लास्ट वाला फिफ्थ नंबर टॉपिक है मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये अपने इसके अंदर नहीं करेंगे। जितने भी आप स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ोगे तो इसके अंदर आप जो फर्स्ट आपको कराया गया था तो उसके अंदर राइस वीवल के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इसके कंट्रोल क्या हैं, तो वो अपना देख लेना। इसके अंदर सारे की एक अलग से वीडियो बना देंगे, जितना भी स्टोर ग्रेन पेस्ट है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो अपने एक ही वीडियो में कर लेंगे। आज अपने स्टार्ट करेंगे खपड़ा बीटल का। फर्स्ट अपने जो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के अंदर जो अपने करते आ रहे हैं पॉलीफेगस भी आपने पढ़े स्टोर ग्रेन के अंदर, राइस वीवल भी आपने पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन में अपने देखते हैं जो जो चीज़ें लिखनी है, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। तो देखिए जी, फाइलम सबका सच, क्योंकि आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हो, सारे के सारे इंसेक्ट हैं, तो फाइलम रहेगा वही सेम अपना आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर। देखिए ऑर्डर की जब बात आती है तो ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी अपने स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ेंगे तो सारे स्टोर ग्रेन पेस्ट का जो ऑर्डर है वो कॉलियोपटेरा रहेगा। अब देखिए इसके पीछे बीटल लगा हुआ है, खपड़ा बीटल है। इससे पहले जो आपने स्टोर ग्रेन पेस्ट पढ़ा था वो राइस वीवल था, तो वीवल के लिए जो हमने यूज़ किया था कि वीवल को हमने अलग फैमिली के अंदर रखा है जिसको करक्यूलियोनिडी नाम दिया गया। वो करक्यूलियोनिडी के अंदर आते हैं और इसकी फैमिली चेंज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर स्नाउट प्रेजेंट थी, तो इसकी फैमिली रहेगी, ऑर्डर सेम रहेगा, फैमिली इसकी रहेगी डर्मेस्टिडी, और जीनस इसका रहेगा ट्रोगोडर्मा, और स्पीसीज रहेगी ग्रेनेरियम। फैमिली है डर्मेस्टिडी, जीनस है ट्रोगोडर्मा, स्पीसीज जी छोटा आएगा जी, ग्रेनेरियम, और जीनस और स्पीसीज अंडरलाइन करने हैं आपको क्योंकि ये टैक्सोनॉमी के अंदर कैरोलस लीनियस ने बोला था। तो क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लीजिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा रहेगा, क्लास इंसेक्टा रहेगी, ऑर्डर कॉलियोपटेरा, फैमिली डर्मेस्टिडी, जीनस ट्रोगोडर्मा, स्पीसीज है ग्रेनेरियम। अब आपको अगर एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आएंगे कि खपड़ा बीटल जो है वो बिलोंग टू ऑर्डर, बिलोंग टू फैमिली है, तो ऑर्डर कॉलियोपटेरा, फैमिली डर्मेस्टिडी, और अगर साइंटिफिक नेम पूछ लेता है कि अगर हिंदी में सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि खपड़ा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसके अंदर आप जीनस और स्पीसीज का ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, तो चाहे आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया। तो क्लासिफिकेशन का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
सेकंड जो अपने टॉपिक इस बार लिखा है, कॉमन नेम। देखो कॉमन नेम कई बार अपने, जैसे खपड़ा बीटल का जो कॉमन नेम है उसको खपरा पई वांतरी बोलते हैं, कॉमन नेम के साथ अपने हॉस्ट ग्रेन भी मेंशन कर लेते हैं साथ साथ दोनों, कि कॉमन नेम क्या है खपड़ा बीटल के और होस्ट ग्रेन क्या है। तो देखो कॉमन नेम के अंदर इसको बोलते हैं खपरा पई वांतरी, तो इसमें वांतरी नेम, वांतरी कॉमन नेम रहेगा इसके अंदर, ये रख सकते हो आपकी, ये उसका साइंटिफिक नेम है, और खपरा पई वांतरी ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब होस्ट ग्रेन के अंदर जो पोषक अन्न है कि कौन कौन से सीड के ऊपर ये रहेगा, जो अपने स्टोर करके रखे गए हैं कौन कौन से क्रॉप के सीड के ऊपर ये सर्वाइव करेगा, तो उसके अंदर हम बताते हैं कि गेहूं है, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, गेहूं सबसे ज़्यादा जो 95% अपने खाया जाता है घरों के अंदर वो गेहूं है, गेहूं के बाद चावल की बात आती है, तो अपने स्टोर ज़्यादा करके रखते हैं गेहूं को, गेहूं के बाद चावल, चावल के बाद ज्वार, मक्का और बाजरा आदि पर भी इसका अटैक देखने को मिलता है, तो होस्ट ग्रेन के अंदर वो हो जाएंगे। थर्ड अपना टॉपिक है डैमेज एंड सिम्पटम, ये सबसे हर एक इंसेक्ट का, चाहे वो पॉलीफेगस है चाहे वो स्टोर ग्रेन है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जी डैमेज एंड सिम्पटम का, कि ये नुकसान कैसे करते हैं। अब देखिए कि ऑर्डर कॉलियोपटेरा है, अब कॉलियोपटेरा ऑर्डर के अंदर मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि कॉलियोपटेरा ऑर्डर जो है उसका जो लाइफ साइकिल की अगर अपने बात करेंगे या मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे, तो कॉलियोपटेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब पूर्ण कायांतरण है, और जो इसका लाइफ साइकिल जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर चार फेजेस आती हैं, तो अपने आगे लाइफ साइकिल में भी काम आ जाएंगी। अभी लिख लेते हैं, एग हो गया, एग के बाद ग्रब, ग्रब के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट। देखिए कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, फोर फेजेस हैं, एग, ग्रब, प्यूपा, एडल्ट। अब देखिए कि एग जो होती है वो भी इनएक्टिव फॉर्म होती है और प्यूपा भी इनएक्टिव फॉर्म होती है, तो बचे दो ग्रब और एडल्ट। तो ग्रब और एडल्ट क्या करेंगे, जो होस्ट ग्रेन है, जो उसके पोषक अन्न होते हैं या जो दाने हैं जो अपने स्टोर करके रखे हैं उसको खाएंगे, तो हम उसके अंदर सीधा लिखेंगे डैमेज एंड सिम्पटम के अंदर कि चारों अवस्थाओं में से, या ग्रब और एडल्ट है तो मतलब इस कीट के जो ग्रब हो गई जिसको अपने लार्वा भी बोलते हैं, क्योंकि कॉलियोपटेरा के अंदर आते हैं और कॉलियोपटेरा के अंदर इंसेक्ट को लार्वा जो है एडल्ट का उसको लार्वा ना बोल के ग्रब नाम दिया गया है, लेपिडोपटेरा होगा तो यहाँ पे लार्वा वर्ड यूज़ करेंगे, तो ग्रब हो गया और एडल्ट हो गया, दोनों ही नुकसान करेंगे। अब ये नुकसान करते कैसे हैं, देखो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो गेहूं के आपने अगर एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर सीधा गेहूं की ढेरी पड़ी है, या प्रॉपर जो भी गेहूं आपके कमरे के अंदर मान लो कि ऐसे पड़ा है, ये आपने स्टॉक रखा हुआ है कमरे के अंदर, तो सभी जगह पे अगर आप मान के चलिए कि यहां पे ऊपर की साइड से अगर आपने देखें तो ये जो इंसेक्ट मिलेगा वो एक फिट की गहराई में ही मिलेगा, जो डेप्थ होगी इसके सर्वाइव करने की वो प्रॉपर स्टॉक जो आपने रखा हुआ है, मान लो कि 10 से 15 से 20 क्विंटल गेहूं पड़ा है या ज़्यादा पड़ा जितना भी आपने रखा है, तो ऊपर से मतलब जो प्रॉपर ढेर पड़ा है गेहूं का उसमें जो डेप्थ होगी इसके सर्वाइव करने की, या जो रहेंगे आपको जहाँ पे मिल सकते हैं वो एक फिट रहती है, तो 12 इंच का प्रॉपर वो एरिया रहेगा जहाँ पे आपको ये इंसेक्ट मिल सकता है, इससे ज़्यादा डेप्थ के अंदर वो इंसेक्ट नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और जैसे ही अगर नीचे की तरफ जाएगा ज़्यादा, अगर मान के चलो कि आप कहोगे कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए इसको ज़्यादा चाहिए होती है, तो ज़्यादा गहराई में ये अटैक नहीं करता, तो अगर जो ढेर पड़ा हुआ है उसके एक फिट की ऊपरी सतह पर ही ये इंसेक्ट मिलेगा या अटैक करता है। अब बात करते हैं कि अटैक करता क्या, किस तरीके से दाने को अंदर से खाएगा, सीड को एक्सटर्नल फीडर होता है या इंटरनल फीडर होता है, तो अगर बात करें तो मोस्टली इसको एक्सटर्नल फीडर के अंदर ही रखा जाता है, कि जो
ग्रब आएगा, तो जो ग्रब है वो दाने को बाहर से ही खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर ये अंदर घुस के नहीं खाते। जैसे आपने राइस वीवल पढ़ा था, वो तो अंडे ही क्या कर देता है, दानों के अंदर एक या दो अंडे देती है उसकी फीमेल, और वहीं से उस दाने को खाना स्टार्ट कर देता है वो बाद में जब जैसे ही ग्रब बनता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो ग्रब बनेगा, क्योंकि अंडे भी क्या है, जो आपके बैग होते हैं जिसको बोरियां बोलते हैं, बोरियों के ऊपरी स्तर पर दिए जाएंगे या जो दानों के भी ऊपरी स्तर पर ही दिए जाते हैं। और राइस वीवल के अंदर पढ़ा था आपने, जो अंडे हैं वो दाने के अंदर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर रख लेना, ये दानों के ऊपर या बोरियों के ऊपर अंडे देगा और वो दानों के अंदर देता है। तो इसके अंदर हम बात करें कि जो ग्रब और एडल्ट होते हैं, इसके माउथ पार्ट जो कॉलियोप्टेरा के इंसेक्ट होते हैं, इनके बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो ये क्या करेंगे, काटते भी हैं और चबाते भी हैं। तो ये दाने को बाहर से, मान लो कि ये ग्रेन, ये गेहूं का सीड है, अगर देखो इसको खाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ग्रब निकलता है तो वो एडल्ट ने जो ऑलरेडी जिसको डैमेज कर दिया है दानों को, तो वो उसी को खाना स्टार्ट कर देता है। और बाद में एडल्ट तो प्रॉपर डैमेज कर ही चुका है, तो जो एडल्ट है वो तो सर्वाइव करने के लिए खाते हैं। आपने पॉलीफेगस में भी पढ़ा था और स्टोर ग्रेन में भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि एडल्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, बस एडल्ट का तो इतना ही नुकसान होता है कि वो आगे एगलिंग करते रहते हैं और अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। और मेन जो फोकस रखना होता है वो ग्रब पे होता है कि ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने अपने अभी सर्वाइव करना है, शरीर की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ग्रब क्या करेगा, दाने को बाहर से खाना ही स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपको जो ढेर के अंदर जो दाने हैं, जब खपड़ा का अटैक मिलेगा तो दाने कटे फटे हुए मिलेंगे। अब उतना ज़्यादा है कि इंटरनल फीडर नहीं होता, सारा दाने को डैमेज नहीं करते। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो सीड का वेट होता है, वेट के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी, कि ऐसे नहीं है कि दाने प्रॉपर बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं दाने, क्योंकि दाना अंदर से प्रॉपर, उसके अगर हम बात करें कि सीड अंदर से खोखला नहीं हुआ है प्रॉपर, वो दाने कटिंग में है कि थोड़े बहुत दाने की कटिंग कर दी गई है, टूट फूट चुके हैं। तो इतना ज़्यादा वेट उतना कम नहीं होगा, वेट से लॉस नहीं हो रहा, क्वालिटी जो होती है कि सीड की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। मान लो कि ये सीड है, ये इतना कट हो गया, तो वेट में इतना ज़्यादा लॉस नहीं है, बट जो क्वालिटी होती है, इसका जर्मिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, कि आगे आप उसको सॉइंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह का नुकसान देखने को मिलता है खपड़ा बीटल का। तो उसके बाद अगर अपने बात करें, इसके बाद नया जो टॉपिक है अपना वो है लाइफ साइकिल का। तो लाइफ साइकिल भी इसी के अंदर अपने मेंशन कर रखा है, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में भी अगर इसमें तरफ चलूँ मैं, कि जो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर है उसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर चार फेजेस हैं, एग, ग्रब, प्यूपा, एडल्ट। अब हमें, आपको पता है, जो अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर सभी इंसेक्ट के अंदर पढ़ा, एग की डिटेल पढ़नी है, ग्रब की पढ़नी है, प्यूपा और एडल्ट की। और एग के अंदर जो अपने को मेन चीज़ें पढ़नी होती हैं कि एग कितने नंबर में दिए जाते हैं, एग का साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है, वो चीज़ें अपने को इसके अंदर देखनी है। तो और बाकी जो है कि एग कितने दिनों के बाद दिए जाते हैं, मतलब जो फीमेल है वो एग लेइंग कब करेगी। तो इसके अंदर जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसके अंदर आपको मेंशन मिलेगा, या पहले भी आपने, मैंने वीडियो को बता दिया कि वीडियो के अंदर जितने भी आपने राइस वीवल के अंदर देखा, कि पॉलीफेगस के अंदर देखा, कि जो एडल्ट हैं वो कॉपुलेशन के बाद, मैथुन क्रिया के बाद 2 से 3 से या 3 से 4 या 5 से 6 दिनों के अंदर एग लेइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर रहेगा कि जो कॉपुलेशन की क्रिया के बाद, मैथुन के बाद एगलिंग का जो प्रोसेस होता है वो 5 से 6 दिन में स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरी बात आएगी, मेन पहला पॉइंट तो हो गया कि एगलिंग कब होगी, तो 5 से 6 दिन का टाइम लगेगा, 5 to 6 डेज आफ्टर कॉपुलेशन। सेकंड की बात करें तो अंडे दिए कहाँ जाएंगे, तो अंडे दिए जाएंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि जो बैग हैं जिसको अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोरियां बोलते हैं, या तो दानों के ऊपर या बोरियों के ऊपर, मतलब बाहर अंडे दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि अंडों का कलर कैसा और अंडों की प्रॉपर संख्या कैसी होती है। तो जो एग है वो प्रॉपर राउंड शेप के अंदर होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, अर्धपारदर्शक जिसको बोलते हैं, और जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 1/2 mm होता है, जो इसका साइज होगा एग का। और जो फीमेल है वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर 125 से 150 अंडे दे देती है प्रॉपर, एक लाइफ साइकिल जो है उसके अंदर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 125 से 150 अंडे दिए जाएंगे।
अपने लाइफ साइकिल के अंदर एक फीमेल का जो एगलिंग है वो कितने अंडे दे देती है, टोटल 125 से 150 अंडे दे देती है। अब इन अंडों से जो ग्रब निकलेगा, अगर उसके एनवायरनमेंट अडेप्टेटिव होता है, मतलब जो ये एग है उससे जो ग्रब की फॉर्मेशन होगी, एग से जो ग्रब बाहर आएगा, मतलब एग की जो हैचिंग होगी, अगर उसके एनवायरनमेंट जो है वो अडेप्टेटिव होता है, तो 6 से 16 दिन के अंदर, टोटल 6 से 16 डेज के अंदर एग की हैचिंग हो जाती है। और अगर इसी में ही अपने उसको मॉइस्चर ज़्यादा दे देते हैं, मतलब वो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो गया कि अगर गर्मी का सीज़न है, प्रॉपर ड्राई एरिया है, तो वो 6 से 16 दिन के अंदर अगर यहाँ के टेम्परेचर उतना ही रहेगा, तो उसके बाद अगर उसको टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर अच्छा मिल जाता है, तो वो 5 से 9 दिन के अंदर ही ग्रब के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से अपने को पढ़ना है कि एग से ग्रब, वो आपको जो प्रॉपर डेज का है कि टेम्परेचर से 6 से 16 दिन बताए हैं, 5 से 9 दिन है जो मॉइस्चर के अंदर, वो जो अपने इसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाला साइकिल बनाएंगे, जो जीवन चक्र का बनाते हैं, उसके अंदर आपको मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं ग्रब की। अब देखिए, जो ग्रब है, स्टार्टिंग में मैंने आपको डैमेजेंट सिम्टम में बताया था कि जो ग्रब है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, जो एडल्ट ने दाने ऑलरेडी ख़राब कर दिए हैं, जो कटिंग वटिंग वाले जो छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में पड़े होते हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद जैसे जैसे मैच्योर होगा, तो वो जो सही सीड हैं, प्रॉपर सही जिनकी शेप है, उनको वो खाएगा, क्योंकि तब तक इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो प्रॉपर एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने अगर बात करें कि इसके कलर की बात करेंगे, और ग्रब प्यूपा के अंदर कब चेंज होगा और कहाँ पे जाके चेंज होगा, तो उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बात है कि जो ग्रब है वो कई दिनों तक प्रॉपर जो है सीड को डैमेज करता रहता है, और जब पूर्ण काफ़ी मतलब एडल्ट हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तो जो मेल का ग्रब होता है वो 19 से 28 डेज के अंदर, और जो फीमेल का जो ग्रब होता है वो 20 से 37 डेज में प्रॉपर मैच्योर हो जाता है। और अडेप्टेटिव एनवायरनमेंट होने के बाद कि अगर मतलब ग्रब को अनुकूल वातावरण मिलता है, तो जो मेल का ग्रब होता है वो टोटल 4 बार, और जो फीमेल का जो ग्रब होता है, तो उसके बाद हम सॉरी बात कर रहे हैं मॉल्टिंग की, मतलब अगर उसको अडेप्टेटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो जो मेल का ग्रब होता है वो 2 से 11 बार टोटल क्या करेगा, मॉल्टिंग का प्रोसेस करेगा, मतलब 2 से 11 बार उसकी त्वचा का निर्मोचन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके बारे में कि ग्रब जो है वो प्यूपा में कहाँ चेंज होगा प्रॉपर। तो आपने मान लो कि एक स्टोर के अंदर ग्रेन रखे गए हैं, आपने गेहूं रखा हुआ है, तो अगर उसको बैग के अंदर डाल के रखा है, या ड्रम के अंदर डाल के रखा है, या ओपन में बड़ा है, तो उसके अंदर रहेगा कि अगर वहां पे अगर प्यूपा बनेगा, तो यहाँ तो 1 फीट की गहराई में प्यूपा बनेगा, डेप्थ के अंदर बन जाएगा। अगर आपने टोटल बैग रखे हुए हैं कि बोरों के अंदर गेहूं को रखा गया है, तो जहाँ पे भी आपके ज़्यादा बैग पड़े हैं, तो 2 जो बैग पड़े हैं उनके जो बीच में स्पेस होगा, वहाँ पे जाके जो ग्रब होता है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक करते हैं प्यूपा कि प्यूपा कैसा है। तो देखो, जो प्यूपा होता है वो ब्राउन कलर का रहेगा, मिट्टी का रंग रहता है, या हल्का जिसको थोड़ा सा मिट्टी से आप डार्क कह लो कि ब्राउन कलर का रहेगा, जिसके अंदर जो उसका प्यूपा है वो प्रॉपर अपने आप को सेफ करके बैठा रहेगा, और उसके ऊपर जो है प्यूपा के ऊपर हल्के से रेड कलर के जो थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखी जा सकती है। और ये जो प्यूपा होता है, इसकी जो प्यूपा फेज होती है वो होती है 4 से 27 दिन की, और उसके बाद 4 से 27 दिन के बाद प्यूपा से क्या हो जाएगा, एडल्ट निकल आते हैं। अब अपने बात करते हैं एडल्ट की। तो जिसका जो खपड़ा बीटल का एडल्ट है वो ग्रे कलर का, ब्राउन कलर का मिलता है मोस्टली, और जो इसकी लेंथ होती है इसकी बॉडी की 2.5 mm, तथा जो प्रॉपर उसकी विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो रहेगी 2 mm की, मतलब प्रॉपर राउंड शेप से थोड़ा सा ओवल शेप की तरफ होता है, कि उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 mm, और जो उसकी विड्थ होती है वो 2 mm रहेगी। अब बात करेंगे कि इसके अंदर कि ये एक्सोपीटेरिगोटा में आते हैं या एंडोपीटेरिगोटा के अंदर आते हैं। देखो, जो कॉलियोपटेरन होते हैं, अब कॉलियोपटेरन का क्या है, एग है, ग्रब है, ग्रब के अंदर कोई विंग नहीं होते, प्यूपा,
तो इनएक्टिव फेज है, अडल्ट के अंदर विंग्स आ जाते हैं, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जितने भी शो करते हैं तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वाले किस में आते हैं, एंडोपीटेरिगोटा में आते हैं, जिसको हिंदी में अंतरपंखीय बोला जाता है। और ये जो एडल्ट हैं, एडल्ट क्या करेगा, मेल और जो फीमेल होते हैं वो कितने दिन में, 5 से 6 दिन के बाद कॉपुलेशन करते हैं, मैथुन क्रिया करते हैं, जिससे एग लेइंग बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका एक लाइफ साइकिल रहता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट के ऊपर। अब देखो जो चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं, जो इसका लाइफ साइकिल है वो चाहे तो अब मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलेगा, उसके अंदर जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो अपने जूम क्लास के अंदर, जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास रहेगी, नेक्स्ट वेडनेसडे को रहती है, बुधवार को रहेगी, तो उसके अंदर अपने इसमें डिस्कस कर लेंगे। अब इसके अंदर मेन जो आपके टॉपिक थे, क्लासिफिकेशन, कॉमन नेम, डायमन सिम्टम, लाइफ साइकिल, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ जो टॉपिक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के ऊपर। देखो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि जो पांचवा टॉपिक है मैनेजमेंट का, या तो स्टोर ग्रेन जितने भी पेस्ट हैं उनका मैनेजमेंट लगभग एक जैसा ही होता है, और उसकी अपनी जो वीडियो वो प्रॉपर अलग से बना लेंगे, नहीं तो राइस वीवल के अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत उसके अंदर बताया है कि कैसे कंट्रोल करना है। तो जितने भी इसके अंदर तीनों प्रकार के कंट्रोल होते हैं, जिसको कल्चरल कंट्रोल बोलेंगे और केमिकल कंट्रोल भी बोलेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलेंगे, तो ये पीडीएफ में तो आपको इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल जो देखते हो कि कौन सा इंसेक्ट इसके ऊपर पैरासाइट के अंदर, इसके एग के ऊपर पैरासाइट रहेगा या एडल्ट के ऊपर पैरासाइट रहेगा, वो मिल जाते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर वीडियो आपको बना देंगे कि जो सिर्फ इसी के ऊपर होगी कि स्टोर ग्रेन पेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उसमें आप ये टेंशन मत लेना कि इसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सारे के जितने अपने 6 से 7 इंसेक्ट या 5-6 इंसेक्ट पड़ेंगे स्टोर ग्रेन, उनका जो वीडियो है वो प्रॉपर एक ही बन जाएगा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का। तो अपने मेन जो 4 टॉपिक है उसके बारे में अपने डिस्कस हो गई है। आज के लिए इतना ही।